माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तहज्जुद फजर और जो भी मेरी पढ़ती हूँ सब चीज़ पूरी हुई। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि मैंने मेरे हक में, मेरे बच्चों के हक में और आप सबके हक में दुआ करती हूँ, अल्लाह उसे कबूल फरमाए और उसके सदके तुफेल में हम पर आई भी मुसीबतें टाले, हमारे घर में खैर बरकत दे, हमारे मोहब्बत दे बच्चों में, फैमिली में, और उसी के साथ साथ अल्लाह पाक हमें इतनी तंदुरुस्ती दे कि हमें अल्लाह पाक ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं बनाए। यहाँ पे मेरा बेटा छोटा वाला सोया है और यहाँ पे सोया है बड़ा वाला, और इसने मुझे बोलकर सोया था कि मम्मी जब आप नमाज को उठोगे तो मुझे ज़रूर उठाना, क्योंकि ये इसका कोई टाइम नहीं रहता, बस आधी रात हो या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हो नमाज के बाद ये चला जाता है काम के लिए। चलिए सबसे पहले मैं इसको उठा लेती हूँ। अली ओ अली अली, 4:30 बजे तू बोला था नमाज के टाइम उठाना मम्मी, उठ जाएगा ना, मैं जाऊँ सोने, हाँ उठ जाना बेटा। हाँ अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग हुई और मुझे जाना था फिश लेने, बहुत मन कर रहा फिश खाने, तो अभी निकल ही रही हूँ, भाग रही हूँ फटाफट, क्योंकि इसके बाद भी मुझे थोड़ा जाना है बाहर, तो पहले जाकर आती हूँ फिश लेकर आती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बाहर जाना तो तैयार भी होना होगा, तो चलिए फिर निकलती हूँ। और आज पीनू को मैंने खाना नहीं दी, आज पीनू की ड्यूटी देकर जा रही हूँ अमीन को, क्योंकि मुझे जाना था फिश लेने सुबह होलसेल मार्केट, और सुबह जाते 7-8 बजे 9 बजे, अभी 7-8 बजे और अभी बज गए 9, तो चलो अब देखो बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मुझे काफी लेट हो गया है। लेट होता तो हर चीज लेट ही होती है ना, पानी भी नहीं पी घुट में, तो मैंने पानी नहीं पी तो फिर कैसे जा सकती, पानी लेना जरूरी है ना, चलो पानी भी ले लिया। एतर की जगह बुलेट की चाबी लेकर नीचे उतरे, तो देखा भागे अभी उनको फिर से वो एथर की चाबी लेने के लिए, तब तक मैं पानी पी लेती 2 घूट। ट्रेन से लगे रही गाड़ी और एक ताई मुझे आकर बोले आपका यूट्यूब बहुत अच्छा लगता है, और एक ताई बोलता है मला आने इनसे दागिने बघा, मला पण खूप आवड आहे ना घालायचे, तुमचे खूप दागिने आहेत, आमच्यापेक्षा डबल दागिने आहेत तुमचे, मस्त दिसतो एक कोळी स्टाईल आहे का, मस्त दिसतो तुमचा पण एक कोळी आहे याच्यामध्ये, मोठा आहे ना, चल आताच आले बघते जाऊ ना इसमें लगाऊ, अच्छा झिंगा है बड़ा बड़ा है ना, अच्छा ताजा है ना भाई, हाँ तो पहले आप लगा लो थोड़ा सा, ठीक है पहली शुरुआत, पॉम्पलेट बहुत अच्छा है ये लिया मैंने, ये वाला भाई हलवा बताओ ना हलवा, देखो ये लिया मैंने कर ली, इसमें बहुत सारे कांटे रहते हैं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये, पीस होते हैं सुरमई के, सॉरी करली के, करली के ये कट गई और ये चालू हो गया, गर्दी है बाप रे बाप, फेरी इतनी ज्यादा भर गई मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मेरी गाड़ी पे कौन आराम कर रहा है, ए पिल्लू पिल्लू उठ जा बेटा उठ, नहीं आनेगा घर ले जाओ, घर चलना है मेरे, चल हाथ की स्टाइल देख के समझ जाओ कि मेरे को कितनी तकलीफ हो रही, इतनी वजन हो गई है मच्छी का थैली, बाप रे बाप, पर टाइम नहीं है क्योंकि मुझे निकलना है बाहर, तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा सा इसको इसको रख देती हूँ, फिर आके सब उसको अच्छे से करूंगी, ये ड्रॉअर साफ करी सब निकाल कर सामान इधर उधर पहुंचा ही थोड़ा सा, ये इधर रख देती, जैसे तैसे भी सेट कर दूं, ये ले लो, चलो क्या हुआ मम चाहिए, चलो आ जाओ, ये रहा तुम्हारा सुबह का मम, और चलो खा लो, ये रख लिया मैंने चाय, इसको आज को कर लेती हूँ स्लो, और मुझे जाना है तो फटाफट कपड़े सिलेक्ट करती हूँ, टाइम की बहुत शॉर्टेज है और वेस्टर्न कपड़े पहन लेती हूँ, ये बहुत इजी रहते, और ये वाले जो मैं जोड़ियों से ली थी ना लास्ट टाइम, तो शूज तो पहन ली थी, ये वाले नहीं पहनी थी, तो इसको पहनती हूँ, बिस्तर भी ऐसे ही भागी थी सीधा मैं उठकर फिश लेने, जल्दी जल्दी में फटाफट देखो ये तैयार हो गई, और बाल देखो पता नहीं, अभी अमीन को वही बता रही हूँ क्यों इतने बाल मेरे गिर रहे पता नहीं, पूरा गुद 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 हो गई मैं तैयार, और कुछ पहनी नहीं, सिंपल से सोच रही थोड़ी बहुत पहन लूं क्योंकि काम के लिए निकल रही बाहर, और ये अभी जैसे हम लोग छोटे थे तो अम्मी लोग बाल बनाते थे तो ऐसे उतार के थू 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 करके फेंकते थे, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्या पता इसकी वजह से मेरे बाल गिरना कम हो जाए, क्योंकि मुझे लड़की नहीं है ना तो मैं कभी ये सब चीज करती नहीं हूँ, और मम्मी करते थे वो मुझे याद है कि ऐसे निकाल के स्कूल जाने के टाइम बाल बना के
ऐसे वो 3 बार उतार के फेंक दे देते। आज सुबह से आप मुझे भागते भागते ही देख रहे हो ना, पता नहीं आज सुबह से लाइफ भागते भागते शुरू हुई है और इंशाल्लाह कभी ना कभी तो थमेगी, क्योंकि अब मुझे भी बहुत कंटाल आया है। लेकिन क्या करूँ, बच्चों के लिए या फिर घर के लिए या काम के लिए भागना तो पड़ेगा ही, तो भाग रही हूँ। लेकिन अल्लाह को कभी ना कभी तो रहम आएगा ना कि बस हो गया, मेरी बच्ची बहुत थक गई है, अब इसको आराम। तो इंशाल्लाह बस दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों का जल्द से जल्द किस्मत बुलंद हो, उनका काम धंधा शुरू हो जाए परफेक्ट। करते तो है आज, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैं सब चीज़ें छोड़कर घर पे बैठ जाऊँ। मेरा सब पड़ गया, लेकिन ये फूल देख के मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने बोली मेरे को इतने खूबसूरत लग रहे, तो मैं ना आपको भी दिखा दूँ। और ये वाले भी कुदरती खूबसूरती है ना इसके अंदर। ये वाली बताइए, बहुत टाइम के बाद मुझे नट्स वाली दिख गई, हेजल नट्स। इसके साथ साथ एक ले लिया मैंने रेडबुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है, बाप रे बाप। तो ये पिएंगे तो थोड़ा आराम भी होगा और ये तो एकदम सोने पे सुहागा। आज का लंच मैकडोनल्ड, ये मैकडोनल्ड की पहचान है ना। मैंने यहाँ से उनको आवाज़ देकर पूछी कि ये कम क्यों है, तो बोले उतनी क्वांटिटी आती है और ऑर्डर करते जब फुल ग्लास दिखाता है। ये लंच है हमारा, लेकिन ज़्यादा नहीं लिया हमने, थोड़ा ही लिए ताकि थोड़ा राहत हो, बाकी फिर घर जाके देखते क्या बनाना। क्योंकि सुबह इतनी सारी फ़िश लेकर आई हूँ, लेकिन अर्जेंट अर्जेंट में निकल गई बाहर, शायद आज फिश ही बनाऊँ कुछ जाके घर। सॉरी मैंने खाना दिखाई और आप लोगों को इन्वाइट नहीं की, क्योंकि इतने सालों से मैं जब खाना दिखाती हूँ तो आप लोगों को इन्वाइट ज़रूर करती हूँ। आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। नगेट्स, बहुत मस्त नगेट्स, इतना ज़्यादा खाए कि अब आ रही है नींद। अब देखती हूँ घर जाके थोड़ा सा आराम। बहुत अच्छी लाइफ है, ये वाली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। काम से हो या फिर कोई भी चीज़ से, जब लौट के आप घर आते हो ना, तो ऐसा महसूस होता है ना कि अपनी जन्नत, दुनिया में अपना घर ही अपनी जन्नत है। और मुझे तो कितनी भी बड़ी जगह पे जाऊँ, कितने भी बड़े होटल में रहूँ, कितनी भी अच्छी जगह पे घूमूँ, लेकिन अपने घर में जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलता है। तो अभी तो आई वैसे ही, पहले तो वॉशरूम गई इतनी ज़ोर से, मुझे समझ जाओ। तो फिर अभी वहाँ से हो गई फ्री। और ये देखो पीनू, मैंने पीछे पीछे उसको पता है कि मम्मा कहाँ गई भे, मतलब हाँ ये देखो यहाँ चढ़ गई। तो बस अभी थोड़ा करूँगी आराम, क्योंकि ढाई बजा है तो नमाज असर पढ़ के फिर मुझे जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि आज डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट है। और आज का तो सुबह से दिन ऐसा है, भागम दौड़ी भागम दौड़ी भागम दौड़ी, बस वही चालू है। लेकिन अच्छा है, भागम दौड़ी होनी भी चाहिए फिर कभी कभी, लेकिन दिल भी थक जाता है, घबरा जाता है कि बस हो गया यार और कितना करे जिंदगी में। लेकिन जब आराम करने लगते हैं तो फिर लगता है कि अल्लाह आराम करेंगे तो हम बूढ़े हो गए, मुझे तो ऐसा महसूस होता है। आप दूसरे लोगों को क्या महसूस होता है वो मैं नहीं बता सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मैं बैठ गई एकदम कंप्लीट आराम करने के लिए, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल तो अभी बहुत घर इतना क्लीन और बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आराम करती हूँ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद में असर के टाइम अगर सो गई तो उठूँगी, क्योंकि उठना ही है, फिर डॉक्टर के पास भी जाना है। और फजर नमाज पढ़ के यहाँ पे ओढ़नी अटका के गई थी, वहीं पे पड़ी है, इसको भी डाल देती हूँ धोने के लिए। दुपट्टा डालने को यहाँ पे आई तो देखी तो चिकन पानी में डाल कर गई थी, तो अमीन तो चला गया जिम, तो मेरी ला वो आने तक फिर उसको मैं मसाला लगा कर रख देती हूँ। और मैं सोई भी रहूँगी तो बच्चा मेरा बना के खा लेता है, मुझे तकलीफ नहीं देता ज़रा भी हो। और
अली तो सुबह ही चला गया था, जैसे मैं उठा के गई तो फिर मुझे फोन आया कि मामा मैं निकल रहा हूँ, मैं आता हूँ फिर रात में, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है फिलहाल, तो चलो मैं अमीन के लिए बना लगा देती हूँ चिकन, फिर वो जिम से आएगा तो बना के खा लेगा अपना। आज मैंने अमीन के लिए चिकन टिक्का जो बनाते हैं ना उस टाइप का मसाला मिक्स करी हूँ, जैसे आपको दिख रहा है थिक और ऑयल मसाला, क्योंकि इसमें मैंने दही डाली हूँ, और बाकी जो चिकन टिक्का मसाला होता है बाहर का नहीं डाली हूँ, घर के मसालों से मैंने उसको सारा मिक्स करके रखी हूँ। अब वो आएगा तो खाएगा, तब तक इसके अंदर अच्छा खासा टेस्ट आ जाएगा। माशाल्लाह देखो आँख मेरी कब खुली बताओ, देखो कितने बजे 4:45। जब आप फिक्र करते हो ना अल्लाह की तो अल्लाह उससे ज़्यादा आपकी फिक्र करते हैं। जैसे मैं बताई कि मैं सोती हूँ असर के टाइम उठूँगी तो अल्लाह पाक भी फिक्र करते हैं ना, इसीलिए मेरी आँख देखो 4:45 बजे आँख खुल गई और माशाल्लाह 2 घंटा आराम कर ली। हाँ ये है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं हमेशा ही बच्चों को बोलती हूँ अली हो या अमीन आवाज़ दूँ तो थोड़ा मुझे पैर वो लोग दबा के देते, तो जजाक अल्लाह। जैसे कल माँ का मैंने कल आपको दिखाई थी, तो आज की दुनिया में ऐसी औलाद मिलना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत सवाब की बात है कि आपके नसीब में ऐसी औलाद मिली है। तो चलिए अब उठती हूँ, आवाज़ देती, कोई है तो आएंगे ज़रूर। अमीन अमीन है बेटा? ओहो माशाल्लाह हेयर कट किया ना दो के वाले को, क्या फ्रेश लग रहा है। अम्मा जरा बेटा 5 मिनट थोड़ा पैर दबा देगा, ये बहुत दुख रहे मेरे को, और फिर मैं तैयार होती हूँ नमाज वगैरह पढ़ के, फिर अपन जाते हैं डॉक्टर के पास। तो कुछ खाया? मैं तेरा चिकन लगा के रख के सो गई। चल मैं उठती हूँ, और अल्लाह पाक ऐसी औलाद सबको दे और ऐसी खिदमत दे और ऐसे नसीब दे कि चाहे जो भी हो, औलाद जब ऐसी हो ना तो हर इंसान को, हर कोई भी इंसान वो अपने हर दुख हर सुख से निकलने की कोशिश करता और निकलता है, क्योंकि औलाद ऐसी होती है उसके साथ। जजाक अल्लाह। और आप भी देखें तो कहना कि अल्लाह पाक बुरी नज़र से और दुश्मनों की नज़र से बस मुझे मेरी औलाद को और ऐसे तमाम दुनिया में जो लोग हैं उनको बचा के रखे, आमीन। आज फिर से गड़बड़ हो गया, अभी सोची कि नमाज पढ़ने के पहले चाय रख दो और नमाज पढ़ने तक चाय हो जाएगी रेडी, दूध ही नहीं है, तो मैंने बोला फिर अमीन बोलते चलो फिर बाहर ही चाय पिला देता हूँ, डॉक्टर के पास लेके जा ही रहा हूँ ना, और मस्त मैंने देखो अभी डॉक्टर के पास जाना है फिर कपड़े चेंज करना पड़ेंगे, तो इसीलिए मैंने जुगाड़ू काम ऊपर से गाउन पहन ली, और ये हमेशा मैं इसीलिए आप लोगों को जब ऐड करती तो बताती कि ये दुपट्टा नमाज के लिए काम आता है। अल्लाह ने ऐसा मौका दे दिया कि मुझे जो चीजें बोली मैं उस पे उतर गई हूँ। जजाक अल्लाह। फारिग, क्योंकि जो वक्त अल्लाह के पास अल्लाह के पास गुजारते ना वो पूरा वक्त अल्लाह के पास पूरे ख्यालों में रहने का, और अभी फटाफट जुगाड़ू काम जो की फटाफट जुगाड़ू काम निकालो और जल्दी से दुनियादारी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो लड़का को जुगाड़ू करके लेके जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट से भी लेट हो गए और ट्रैफिक भी फुल जैम, तो लेकिन मेरा बेटा जुगाड़ू है ना फटाफट लेके जा रहा है, पहुँच तो गए बस। घर पर दूध नहीं था इसलिए मैंने चाय नहीं पी, और आपको पता है हमेशा मैं बताती हूँ खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, तो अमीन बोला कि चलो कुछ खाओ, तो मैंने बोला स्टीम वाले मोमोज खाऊंगी फ्राई वाले नहीं,
बोला ठीक है आप मोमोज ट्राई करो, तब तक मैं लेकर आता हूँ चाय। तो मैं अभी यहाँ पे मोमोज बहुत ज़्यादा गर्म है तो आई मीन चाय लेके आया, तो पहले चाय पीऊँ क्योंकि तलब चाय की ज़्यादा लगी है। ये एरिया ना अमीन अली और उसके दोस्त लोग के सब ये लोग आते हैं यहाँ पे, फुल मस्ती करते सामने, खाते पीते फुल मज़े करते। कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ चाय पीने के लिए, जैसे हमेशा बताते रहती हूँ ना यहाँ पे, जो चाय पीती हूँ छोटे कप में हो या बड़े कप में हो, ये सब तो मोमोज वोमोज ये लोग खाते, इनको अच्छे लगते इनके दोस्तों के साथ चाय आ जाए। और मोमोज मैंने ट्राई किया, बहुत ज़्यादा गर्म है बट टेस्टी एक नंबर है। हद हो चुकी है आ जा, ओहो स्टीम निकल रही है भाई, थैंक यू थैंक यू। लेकिन मोमोज बहुत अच्छे हैं अमीन, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मोमोज, मैंने एक खाए ऊपर के। ये मोमोज तो मैं ही खा लिया हूँ तीन चार पीस, मम्मी तो खाए नहीं भाई, मैंने चाय पी अभी तक तो खाओ, खाती हूँ पहले चाय की तलब तो मिटने दे। डॉक्टर के पास जाने के पहले मैंने फिश निकाल कर पानी में डाल दी थी कि मैं आकर फिश कड़ी बनाऊंगी, स्टीम राइस बनाऊंगी और उसी के साथ फिश फ्राई बनाऊंगी। लेकिन अली का फोन आया कि मम्मा क्या बनाए खाना, मैंने क्या बनाओ, बोले कुछ सादा बनाओ ना, मैंने खिचड़ी खाएगा उसको ये वाली खिचड़ी, व्हाइट वाली खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। बोला हाँ हाँ, मैं कुछ मसाले वाला बनाऊं, कहता नहीं। तो मैंने बोला अच्छा चल, तो फिर मैंने ये बनाना रख दिया कैंसिल क्योंकि मैं सोची कल दिन में बनाऊंगी तो दिन में कैसा रहेगा, मसाले वाला रहेगा तो खा भी लेगा, तो इसको अब नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की खिचड़ी बना रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो मूंग की दाल और राइस, नमक ये डाल के मैं चढ़ा दी हूँ। अब इसमें बहुत सारा घी डालूंगी और जो बिरिस्ता होता है वो डालूंगी और उसको फिर बस हिला के बंद कर दूंगी और दम पर बनाऊंगी, बहुत टेस्टी। और ज्यादा जितना हो सका उतना ज्यादा घी डालो, बहुत मजा आता है ये खाने के लिए। डाल दिया मैंने इसमें बिरिस्ता और एक चम्मच भर के घी डाल रही हूँ, और लगेगा तो मैं और भी डालूंगी इसके अंदर क्योंकि इसमें जो मजा है वो घी का ही है पूरा मस्त। मेरा बेटा भी खाएगा, मैं भी खाऊंगी और इसकी खुशबू से ना अमीन भी खाने ही वाला है एक दो चम्मच। फाइनली बन गई मेरी खिचड़ी और अली भी आ गया खाने के लिए, तो उसी के लिए निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है, जितनी ज़्यादा आप इसमें घी डालोगे उतना ज़्यादा ये टेस्ट। अली अचार चाहिए तो खाली खिचड़ी, घी तो बहुत सारा डाली, ऊपर से भी डालो। हाँ अच्छा, हाथ से खा रहा है स्पून से खा रहा है? ये है व्हाइट वाली खिचड़ी, और अगर इसके ऊपर से भी घी डाल के खाओ, मैं भी खाऊंगी गरम गरम। हालांकि मैंने वहाँ मोमोज खाए तो मेरा पेट एकदम भरा हुआ है, लेकिन इसको देख के मुँह में थोड़ा पानी आ रहा है तो छोटी वाली ये वाली बाटी से थोड़े से खा लेती हूँ, गरम गरम खाने का मजा ही अलग होता है। इतने से निकाली हूँ बस वो खाने की लालच, ऐसा तो पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और ये खा लेती हूँ और अमीन को भेजी हूँ कुछ काम से, और उसी के साथ साथ पता नहीं उसके डैडी का भी कुछ फ़ोन आया था, उसका भी काम है, कुछ बोले कि बेटा ज़रा ये काम कर दे, तो वो गया है बाहर, और मैं और मेरा बड़ा बेटा मस्त खिचड़ी इंजॉय कर रहे। आज सुबह से आप देख रहे हो फुल भागम दौड़ी वाली लाइफ, तो आज बहुत टाइम के बाद हुक्का बना है और लाइट अभी भी चालू है, मस्त लगती एकदम, लेटे लेटे हुक्का पी रही हूँ क्योंकि दवाई भी खानी है, बहुत सारी दवाइयाँ ली है आज, आज से दवाइयों का कोर्स भी चालू होगा, उसके पहले थोड़ा सा किक किक नहीं यार, दिन भर की थकावट और थोड़ा ये हुक्का पीते तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, और कहीं जाती नहीं हूँ तो उससे बेटर है कि घर में बैठ के आराम से एक दो घंटा अपना माइंड फ्रेश कर लो। और आज से दवाइयों का कोर्स भी चालू होगा, अमीन भाई ने तो नारियल पानी ला के रख भी दिए। इधर मैं हुक्का पी रही हूँ, उधर वो दोनों गेम खेल रहे हैं, मेरी बहन का लड़का और अमीन, वो दोनों देखो गेम खेल रहे। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि मैंने खाई हूँ रजनीगंधा, तो थोड़ी जबान इधर उधर हो सकती है। पिछले ब्लॉग में देखा था ना आपने, मैंने मूंग बांध कर रखी थी स्प्राउट होने के लिए, तो आज देख लेते हैं इसको क्योंकि 100% तो हो गए, लेकिन अगर और लंबे चाहिए तो एक दिन और भी रख सकते हैं हम, लेकिन मुझे और लंबे नहीं चाहिए। इधर नजदीक लाके दिखाओ ना कितने खूबसूरत दिख रहे, ये देखो, ये जो एक्सपीरियंस होता है ना ये ऐसे ही नहीं होता है,
ऐसे जिंदगी जीते हैं, ऐसे घर से सब चीजें माँ बाप सिखाते हैं। तो आ गया जबान मेरी, थोड़ा इग्नोर करना। और ये सब चीजें जब आप घर में घर संसार संभालते हो तो आपको पता रहता है कि कौन सी चीज कौन से वक्त क्या करना चाहिए, कैसे उसको होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ाई मार रही हूँ कि मुझे सब आता है, मुझे आता सब है, क्योंकि मेरी माँ ने सब कुछ जिंदगी में सिखा कर गए मुझे, बच्चों को रखना, घर संभालना और उसी के साथ थोड़े से मैं अपना गुजारा करना और अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना। इतना दुनिया का मेरे पास होने के बाद भी मेरे बच्चों की जो संस्कार है ना, ये मेरे माँ बाप की सीख है, जो मुझे सिखा कर गए वही सीख मैं अपने बच्चों को देती हूँ। और ये जो ये सब चीजें, ये तो आप लोग भी जानते हो ना, क्योंकि मैंने कल देखी जो मेरे से बात करी थी वो एक लड़की, अमीन, उनकी मम्मी दिल्ली से मुझे देखते हैं। तो जो बड़े बड़े बच्चों की माँ लोग मुझे देखते हैं, तो आप जानते हो कि एक्सपीरियंस से ही घर चलता है, एक्सपीरियंस से जिंदगी चलती है और एक्सपीरियंस से ही हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। फिलहाल आज का व्लॉग बहुत भागम दौड़ी वाला रहा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी एक राहत मिली है मुझे। मैं इंशाल्लाह वो आपको 2-4 दिन के बाद बताऊंगी, अभी नहीं, अभी उसको पूरी तरीके से हो जान दो उसके बाद। और फिलहाल ये मेरा मूव हो गया स्प्राउट, और ये मेरे बिल्डर बेटे के लिए नियत से करी थी, लेकिन मुझे भी बहुत शौक है इसको बॉईल करके खाने का। अली बिल्कुल नहीं खाता है, उसका रीजन ये है जब अली स्कूल जाता था तो मैं उसको डब्बे में 7 दिन के 5 दिन के 5 उसके डब्बे में फिक्स होते थे कि आज सैंडविच दूंगी, आज ये दूंगी, आज मूंग स्प्राउट दूंगी। तो एक दिन ऐसा हुआ फ्राइडे के दिन उसको मैंने ये दी और उसने खाया नहीं, और सैटरडे संडे टिफिन में रहा, और जब मंडे को टिफिन खोले तो उसने डर के मुझे बताया नहीं, स्कूल में टिफिन खोला तो उसमें स्मेल आई। तो वो दिन का दिन है और आज का दिन है, वो ये खाता नहीं है। इसका पानी पूरी बनाओ तो भी नहीं खाता, बोलता नहीं मुझे दूसरा बना के दो। तो होता है ना, कोई कोई चीजें आदमी के दिमाग में इतनी स्ट्राइक करती है कि वो चीज को भूल ही नहीं पाता है। और ऐसे हादसे बहुत होते हैं जिंदगी में जो आप कभी भूल नहीं सकते हो। और अब मुझे बोलने की जरूरत है नहीं है ना, तो बस समझो। और जो मुझे प्यार करते मैं आपसे बात करती हूँ, और हेटर्स लोगों को तो मेरा वीडियो देखना जरूरी, बिकॉज उनके दिल की बातें जब मुझे नहीं देखेंगे तो कैसे लिखेंगे जो उनको खुशी मिलती है, तो उनको भी देखना जरूरी है। तो बिंदास आप भी इंजॉय करो, जो मुझे प्यार करते हैं आप तो हमेशा खुश रहो और हमेशा सब लोगों को खुशियां बांटो, तो देखना ऑटोमेटिकली आपके दिल को कितनी खुशी मिलती है। तो चलिए फिर अभी तो फिलहाल ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत कुछ भागम दौड़ी, बहुत कुछ दिखेगा आपको, तो देखना इंजॉय करना। और आपका जो टाइम घर में बैठ के जो टाइम पास नहीं होता है, तो मेरे ब्लॉग के जरिए आपका जो टाइम पास होता है उसको कंटिन्यू रखना।